डिस्कस करेंगे नेशनल पेंशन स्कीम होती क्या है, इसको कौन ज्वाइन कर सकता है, प्लस इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने एक अथॉरिटी को रिप्रेजेंट किया था, एस्टैब्लिश किया था ऑन 10th October 2003 में, ठीक है। और उसके के बाद कहते ये जो डेवलपमेंट है, ये जो अथॉरिटी उन्होंने क्यों एस्टैब्लिश की थी, ताकि वो एक डेवलप कर सके एक रेगुलेटरी पेंशन सेक्टर को, ठीक है, अपनी कंट्री में। उसके बाद कहते ये वाली अथॉरिटी जो है ना, इसने कहते हैं कि जो नेशनल पेंशन स्कीम को कहते हैं लॉन्च किया था, कब लॉन्च किया था, 1st of January 2004 को, इसके ऑब्जेक्टिव्स के साथ। उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि वो जो है ना अपने सिटीजन्स, उनको कहते हैं रिटायरमेंट के बाद भी एक रिटायरमेंट की इनकम वो उनको प्रोवाइड कर सके। NPS जो है हमारे नेशनल पेंशन स्कीम के, तो उनका मेन एम यही होता है कि वो इंस्टीट्यूट करे पेंशन रिफॉर्म को, कि जितने भी पेंशन की रिफॉर्म है, चाहे वो पॉलिसीज हो, चाहे वो सेक्टर से क्यों ना करे, तो उनको अच्छे से एस्टैब्लिश करें, प्लस ताकि वो इनकैलकुलेट करें दी हैबिट ऑफ सेविंग फॉर द रिटायरमेंट, ताकि वो डिवेल्प कर सकें सेविंग की हैबिट अमंग दी सिटीजन के बीच में। उसके बाद कहते हैं जो NPS है, कहते हैं वो इंट्रोड्यूस हुई थी अपनी न्यू गवर्नमेंट रिक्रूट के लिए, एक्सेप्ट दी आर्मी फोर्सेस के, आर्मी फोर्सेस पे कहते हैं ये वाली जो स्कीम है अप्लाई नहीं होती। उसके अलावा कहते हैं जो भी इनकी नई गवर्नमेंट है, ठीक है, वहां पे कहते हैं इंट्रोड्यूस हुई थी विद द इफेक्ट फ्रॉम 1st May 2009 को, ठीक है। NPS प्रोवाइड हैज बीन प्रोवाइड फॉर ऑल द सिटीजन ऑफ अ कंट्री इंक्लूडेड द अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर वर्कर्स ऑन द वॉलेंट्री बेसिस के, कहते हैं कि पहले तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में थी, ठीक है, उसके बाद कहते हैं वो अनरिकॉग्नाइज्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं, कहते हैं उनके लिए भी कहते हैं एस्टैब्लिश की गई है। उसके बाद सिंपल इसका मतलब यही है, कहते हैं कि टू एनकरेज पीपल फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू वॉलेंट्री सेव फॉर रिटायरमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ को कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम नोन एज स्वावलंबन स्कीम। कहते हैं उन्होंने अपनी अपने अनरिकॉग्नाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, कहते हैं, इन पेंशन स्कीम को, इन पेंशन के सेक्टर्स को इनकरेज करने के लिए उन्होंने एक, कहते हैं, नवी जो स्कीम है उनको लॉन्च किया था। और उसके लॉन्च कब हुई थी, इन द यूनिट बजट 2010 और 2011 में। इस स्कीम में क्या होता है, कहते हैं जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है ₹1,000 टू ईच एलिजिबल NPS सब्सक्राइबर, कहते हैं जो NPS के सब्सक्राइबर होते हैं, ठीक है, उनके लिए वो 1,000 खुद कंट्रीब्यूट करती है, जो खुद कहते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं मिनिमम 1,000 एंड मैन मैक्सिमम 12,000 पर एनम के अकॉर्डिंग। एंड ये जो स्कीम है, कहते हैं प्रेजेंटली कब एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है 16 और 17 ईयर तक। उसके बाद नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ NPS। सिंपल इसमें क्या कहते हैं, जो सब्सक्राइबर है, ठीक है, इसे जब वो अप्लाई करता है, कि जब वो इस स्कीम में अप्लाई करता है, ठीक है, तो उसे एक कहते हैं यूनिक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर वो दिया जाता है, ठीक है। एंड ये जो नंबर होता है, कहते हैं वो सेम रहता है उसकी लाइफ टाइम तक, चाहे वो कहते हैं उसकी शिफ्टिंग हो जाए, ठीक है, चाहे उसने प्लेस चेंज किया, क्योंकि पर्सन के साथ ही ये जो है नाम, ये जो नंबर है, कहते हैं सेम रहता है। उसके बाद कहते हैं जो है PRAN जो ये नंबर है, कहते हैं इसके साथ ही, कहते हैं उसको दो अकाउंट मिलते हैं, एक अकाउंट होता है नॉन विड्रॉलेबल अकाउंट, उनकी सिंपल जिसमें कहते हैं लाइक FD अकाउंट के, जिसमें आप डिपॉजिट कर सकते हैं, बट आप उसमें से कहते हैं विड्रॉल नहीं निकाल सकते। उसके बाद सेकंड है वॉलेंट्री सेविंग अकाउंट, वॉलेंट्री, क्योंकि जब आपको ठीक लगता है कि आप वहां से पैसे जमा करा सकते हैं, प्लस वहां से आप कहते हैं विड्रॉ भी कर सकते हैं। एंड इसमें सिंपल क्या है, इसमें आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि आपको विड्रॉल भी होती है, ठीक है, आपकी, तो उसके अकॉर्डिंग कहते हैं आपका टैक्स बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलता। उसके बाद है रेगुलेटरी एंड एंटिटीज फॉर दी NPS, कहते हैं NPS में कौन से रेगुलेटर्स, कौन से एंटिटीज हैं जो कि इस स्कीम में इन्वॉल्व हैं। आगे नेक्स्ट कहते हैं आपको रेगुलेटरी और जो इंस्टीट्यूट हैं जो NPS में इन्वॉल्व हैं उनके नेम गिवन है, प्लस उनके साथ उनका मीनिंग भी गिवन है। जैसे कि फर्स्ट है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसमें कहते हैं PFRDA। सिंपल यही लिखा है, कहते हैं कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है, जो कि सेटअप की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि वो डेवलप कर सके और रेगुलेट कर सके पेंशन की मार्केट इन इंडिया में। उसके बाद नेक्स्ट है POP पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, इसमें सिंपल क्या है, ये कहते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन है, ठीक है, इन्फेक्शन किन के बीच है, NPS के सब्सक्राइबर प्लस NPS के आर्किटेक्चर के बीच में। दी ऑथराइज्ड ब्रांच है POP को, क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर, जिसमें कहते हैं POPSPS, इसका ये कहते हैं ये एक्ट करती है एज अ कलेक्शन पॉइंट, और कहते हैं एक्सटेंड करती है नंबर ऑफ कस्टमर सर्विसेज टू दी NPS सब्सक्राइबर, ये कहते हैं कलेक्शन पॉइंट की तरह एज एक्ट करती है, प्लस उसी के साथ ही जो NPS के सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, उनको कहते हैं अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद कहते हैं जो आपकी ये है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये कहते हैं इसके साथ 58 इंस्टीट्यूशन कहते हैं ऑथराइज्ड हैं, ठीक है, जिनमें कहते हैं आपके पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कहते हैं अलग अलग तरह के आपके इंस्टीट्यूशन इसमें ऐड हो जाते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी CRA। इसमें लिखा कहते हैं जो कि जो रिकॉर्ड कीपिंग और एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कस्टमर सर्विसेज जो फंक्शन होते हैं रिकॉर्ड कीपिंग के एडमिनिस्ट्रेशन के और जो कस्टमर सर्विसेज कहते हैं जो फंक्शन होते हैं ये कहते हैं फॉर ऑल द सब्सक्राइबर ऑफ NPS। ये कौन हैंडल करती है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, जिसमें कहते हैं NSDL, जो कि कहते हैं एक्टिंग वो जो है ये जो अथॉरिटी है ये कहते हैं क्या एक्ट करती है एज अ सेंट्रल रिकॉर्ड कीपर फॉर द NPS। उसके बाद नेक्स्ट है एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर। सिंपल इसमें क्या कहते हैं कि ये जो इसके इसके ऊपर कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसने कहते हैं जो व्यक्ति एग्जिट हो जाते हैं NPS की स्कीम के बाद NPS की स्कीम से उनको कहते हैं कि रेगुलर मंथली पेंशन देनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हु कैन ज्वाइन NPS, कौन से व्यक्ति कहते हैं NPS में ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। NPS इज एप्लीकेबल टू ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट द आर्मी फोर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमियस बॉडी ज्वाइनिंग गवर्नमेंट सर्विसेज ऑन और आफ्टर द 1 जनवरी 2004। कहते हैं जितने भी NPS में जो व्यक्ति हैं कहते हैं वो सेंट्रल बैंक की जो सेंट्रल बैंक के जो एम्प्लॉय हैं ठीक है वो वाले एम्प्लॉय इसके लिए एप्लीकेबल हैं। प्लस कहते हैं जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बॉडीज है ठीक है जिन्होंने गवर्नमेंट को ज्वाइन किया है बट कहते कब किया है ऑन या आफ्टर 1 जनवरी 2004 को वो भी इसके लिए एप्लीकेबल है। एनी अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु इज नॉट मैंडेटरी कवर अंडर द NPS कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू NPS अंडर ऑल द सिटीजन मॉडल। कहते हैं सिंपल कोई दूसरा कहते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कहते हैं सिंपल इसमें NPS में मैंडेटरी नहीं है कि उसमें कहते वो क्वालिफाई नहीं है बट कहते वो सब्सक्राइब कर सकता है अंडर दी ऑल सिटीजन मॉडल के थ्रू। ठीक है ये एक एक ऑप्शन है ठीक है इसमें कहते वो सब्सक्राइब कर सकता है थ्रू दी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सर्विस प्रोवाइडर ठीक है POP SP के साथ कहते हेल्प के साथ इस ऑप्शन में जाके वो NPS में सब्सक्राइब कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कहते हैं NPS है कहते वो एप्लीकेबल है टू ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज हैं सभी के लिए एप्लीकेबल है एंड उसी के साथ कहते हैं स्टेट ऑनोनियमस जो बॉडी है कहते उनके साथ भी एप्लीकेबल है जो कि ज्वाइन की गई हैं जिन्होंने सर्विस ज्वाइन की है गवर्नमेंट की आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय द रिस्पेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्टेट गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन की डेट है ठीक है उसके बाद उसके उसी डेट पे कहते हैं जिसने भी जो भी बॉडीज हैं जिसने सर्विसेज को ज्वाइन किया है वो भी कहते हैं इसके लिए एप्लीकेबल है। उसके बाद नीचे वही सेम कि अगर कोई भी अदर दूसरा व्यक्ति कोई भी दूसरा गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहते जो कि क्वालिफाई नहीं है इसमें हो रहा है NPS में वो जाके कहते ऑल सिटीजन मॉडल में जाके अप्लाई कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज। अ कॉर्पोरेट वुड हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी टू डिसाइड इन्वेस्टमेंट चॉइस एदर एट अ सब्सक्राइबर लेवल और एट अ कॉर्पोरेट लेवल सेंट्रली फॉर ऑल इट्स अनलाइंग सब्सक्राइबर। कहते हैं कि जो कंपनीज है ठीक है उनमें जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके जितने भी इम्प्लॉयज है ठीक है वो कहते हैं उनके पास जो एक कंपनी है कॉर्पोरेट है उनके पास कहते हैं अलग डिसीजन होता है कि वो उन्होंने सब्सक्राइबर लेवल पे कहते हैं अप्लाई करना होता है या कहते हैं उन्होंने अपने अलग अलग टाइप की कॉर्पोरेट लेवल पर मतलब कहते हैं वहां पर जाके कहते अप्लाई करना होता है। द कॉर्पोरेट और सब्सक्राइबर कैन चूज एनी ऑफ द पेंशन फंड मैनेजर्स PFM जो कि अवेलेबल है अंडर द ऑल सिटीजन मॉडल। कहते हैं सबसे पहली बात उनको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी होती है डिसीजन में कि उन्होंने कहते हैं जो अप्लाई करना है सब्सक्राइबर लेवल पर करना है या कॉर्पोरेट लेवल पर करना है। सेकंड ऑप्शन क्या है उनके पास कहते हैं कि वो अगेन कहते हैं जो ऑल सिटीजन मॉडल होता है कहते हैं उनमें एक ऑप्शन होती है PFM उनमें जाके कहते हैं वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ये जो मैनेजर है इसे चूज कर सकते हैं एंड ऑल्सो कहते हैं ये भी चूज कर सकते हैं द परसेंटेज इन विच द फंड आर एलोकेटेड इन द वेरियस एसेट की किस परसेंटेज में जो फंड है कहते हैं वो एलोकेट किए जाएंगे वेरियस एसेट्स में वो भी ये चूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं सिंपल जितने भी सिटीजन है कहते हैं इंडिया के जिनकी एज 18 से 60 के बीच में कहते हैं वो सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इसके बेनिफिट। सबसे पहले पहला बेनिफिट जो है ये है ट्रांसपेरेंट। कहते हैं NPS इज ट्रांसपेरेंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम। कहते हैं सिंपल इसमें क्या होता है एक टाइप ऑफ फंड ही है। कहते हैं सिंपल इसमें जितना भी NPS की स्कीम में जितना पैसा कहते हैं इन्वेस्ट किया जाता है वो कहते हैं आगे जितना पैसा मतलब होता है वो आगे कहीं जाके कहीं दूसरी किसी थर्ड पार्टी में जाके कहते हैं इन्वेस्ट किया जाता है और जो इन्वेस्टमेंट होती है कहते हैं उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो होती है सिंपल किसी भी व्यक्ति को किसी भी कहते सब्सक्राइबर को डे टू डे बेसिस पे हम बता सकते हैं और वो खुद भी देख सकता है इसलिए कहते हैं ट्रांसपेरेंट है कि ताकि आपको पता लग सके कि आपके जितने भी पैसे हैं कहते हैं वो कहाँ इन्वेस्ट हुए हैं प्लस उसकी वैल्यू कितनी है इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है।
सेकंड इसका एडवांटेज है इट इज सिंपल। सिंपल का मतलब क्या है, कहते हैं सिंपली इसमें आपको कुछ करना नहीं होता, आपने सिंपल एक बैंक अकाउंट को ओपन करना है, उसी के साथ ही कहते हैं आपको एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मिल जाएगा, उसी के साथ ही कहते हैं आपने जस्ट आगे की डीलिंग करनी होती है। उसके बाद पोर्टेबल है, ईच एम्प्लॉय इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक नंबर हैज अ सेपरेट PREN विच इज पोर्टेबल दैट इज विल रिमेन सेम इवन इफ एन एम्प्लॉय गेट ट्रांसफर टू एनी ऑफ द अदर ऑफिस। कहते हैं अगर उसकी ट्रांसफर हो जाती है किसी भी ऑफिस में, जो उसका PREN होता है नंबर, कहते हैं वो सेम का सेम ही होता है। इट इज रेगुलेटेड कि सिंपली किसी अथॉरिटी के साथ रेगुलेटेड है, बट किसके साथ है, इट इज रेगुलेटेड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके साथ कहते हैं विद ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स एंड रेगुलेटरी मॉनिटरी एंड परफॉर्मेंस रिव्यू ऑफ अ फंड मैनेजर बाय द NPS ट्रस्ट एक्सटर्नल वेबसाइट दैट ओपन इन अ न्यू विंडो। उसके बाद मेन पॉइंट है टैक्स बेनिफिट की इस स्कीम में, कहते हैं आपको कितना टैक्स बेनिफिट मिलता है, कितना टैक्स चार्ज होता है, ये सब चीज़ें। कहते हैं पर्सनली टैक्स ट्रीटमेंट फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन मेड इन टायर वन अकाउंट एग्जेम्प्टेड टैक्स, जो टायर वन में कहते हैं जितना भी आपने कॉन्ट्रीब्यूशन की है वहाँ तक कहते हैं आपका एग्जेम्प्ट होता है, दैट इज द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड इन इंटाइटल्ड, कि आपका जो इतने अपने पैसे अपने कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं ठीक है, वो इंटाइटल होते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम अप टू द 1 लाख। कहते हैं जितने अपने पैसे ठीक है अपने इन्वेस्ट किए हैं टायर फर्स्ट में, कहते हैं उनके ऊपर तो टैक्स नहीं लगेगा, प्लस कहते हैं जितना अपने पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया है ठीक है, ये एज अ डिडक्शन कहते हैं आपका 1 लाख की जो अमाउंट है कहते हैं एज अ डिडक्शन काम आएगी आपको टोटल इनकम में माइनस करने के लिए। सिंपल मतलब कि इस वाले स्कीम में कहते हैं अगर पैसे जमा करवाते हो तो ये एज अ डिडक्शन आपके लिए हेल्प होगा, इसमें आपको कहते कोई भी टैक्स आपको नहीं चार्ज किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कहते हैं कि जो भी डिडक्शन दी जाती है वो कहते हैं एज अ सेक्शन 80C के द्वारा दी जाती है, ये आपको इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ही पता लगेगा ठीक है। उसके बाद कहते हैं जो एप्रिसिएशन अकर्ड ऑन दी कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द अमाउंट यूज बाय सब्सक्राइबर, कहते हैं जितने भी अमाउंट यूज की है जितने भी खर्चे हुए हैं कहते एन्युटी को बाय करने के लिए ठीक है, उस वो कहते बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं होता, ओनली वही अमाउंट टैक्सेबल होता है जो कि विदड्रॉ की गई है आफ्टर द एज ऑफ 60।